मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ऐसे कम ही नेता हैं जो गजब का चुनावी प्रबंधन करते हैं। उनमें एक नेता है मध्य प्रदेश के सागर के खुरई से विधायक और भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह, जिन्हें अपनी चुनावी कुशलता की बदौलत पार्टी ने ग्वालियर चंबल का क्लस्टर प्रभारी बनाया। भूपेंद्र सिंह ने बीते दिन बूथ लेवल से लेकर विधानसभा वार और लोकसभा को लेकर जो डाटा अपनी योजना आला कमान के सामने रखी, उससे आला कमान भी उनसे खुश नजर आया था। बीते दिन देश में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई और चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया। सागर लोकसभा और ग्वालियर चंबल में 7 मई को वोटिंग होना, इसको लेकर भूपेंद्र सिंह ने क्या योजना बनाई है? आप खुद ही जान लीजिए। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44 बामौरा सागर मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और मध्य प्रदेश में भी 4 चरणों में चुनाव होंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है? हालांकि भाजपा का ये असूल है कि वो 5 साल चुनावी मोड में रहती है और इस वक्त हम मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र जी से मुखातिब होंगे, जो ग्वालियर और चंबल के क्लस्टर प्रभारी हैं। और अगर यूं कहें कि चुनाव में मध्य प्रदेश के सबसे अनुभवी जो टीम है उनमें एक कड़ी भूपेंद्र जी भी हैं, जो चुनाव को बहुत बारीकी से देखते हैं और मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहने वाली। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बेटी, क्या जो मिशन है इस बार जो है 29 की 29 और 400 पार आई पूरे देश में? देखिए, निश्चित रूप से जो काम मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश में किया है, उसका ये परिणाम है कि देश के हर नागरिक को ये लगता है कि एक ऐसा भारत जिसके अंदर चाहे गरीब हो, समाज के सब वर्गों के लिए कल्याण और विकास के काम हुए हैं, तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुए। वहीं दूसरी तरफ देश में भ्रष्टाचार कम हुआ है, सिस्टम में पारदर्शिता आई है। जो 60 करोड़ बैंक खाते खोले गए जनधन खाते के अंदर, तो आज गरीब का पैसा या योजनाओं का पैसा किसी का भी हो, वो सीधा हितग्राही के खाते में जाते हैं। तो जो भ्रष्टाचार के रास्ते थे, वो भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो गए। तो देश में जनता को ये लगता है कि देश के अंदर अगर आज दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण बनी है। आज भारत की इकोनॉमी जो है वो 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंची है, वो नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है, उनका नेतृत्व है, ये उसका परिणाम है। आज चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे हर घर में पीने के लिए, हर घर में नल से जल गांव-गांव में हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब का मकान हो, देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क होने का काम हो। वहीं देश में दूसरी तरफ चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे बनारस में काशी विश्वनाथ जी का हो, चाहे केदारनाथ जी हो, चाहे उज्जैन में महाकाल हो, से देश भर के जितने भी सांस्कृतिक महत्व के स्थान हैं,
उनका एक तरफ से सांस्कृतिक पुनर्स्थापना करने का काम भी देश के अंदर हुआ है। एक आदि गुरु शंकराचार्य थे जिन्होंने भारत को चारों दिशाओं से जोड़ा था। एक नरेंद्र मोदी जी है जो फिर से दक्षिण और उत्तर की दूरी को समाप्त करने के लिए, भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए लगातार दक्षिण के लोगों में भारत की संस्कृति के प्रति और दक्षिण और उत्तर की जो दूरी कांग्रेस ने एक हमेशा बना के रखी थी उसको समाप्त करने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो भारत हर क्षेत्र में मजबूत हो रहा है। चाहे हमारी देश की सेनाएं हो, चाहे हमारे देश की विदेश नीति हो, सब क्षेत्रों में भारत लगातार मजबूत और सशक्त हो रहा है और लोगों को लगता है कि ये सब नरेंद्र मोदी जी के प्रयास है। जहाँ मोदी जी ने विकास किया, भ्रष्टाचार समाप्त किया, वहीं राजनीति के अंदर जो एक परिवारवाद हो, तुष्टीकरण हो, इस सब को भी देश के अंदर इसके खिलाफ जन जागरण करने का काम किया। और इसीलिए जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, ये धीरे धीरे राजनीति में अलग थलग होते जा रहे हैं। जब बहुत कठिन टास्क मिला है, ग्वालियर चंबल बहुत जो है गुस्सेल धरती कह लें और सियासत में बड़ा बदलाव भी करती रहती है, ऐसे में कितना कठिन देखते हैं, कितना सरल देखते हैं, क्योंकि आपको बड़ी महती जिम्मेदारी मिली है। देखिए, चाहे ग्वालियर संभाग हो, चंबल हो, और चाहे पूरा मध्य प्रदेश हो, चाहे पूरा देश हो, इस समय पूरे देश में सिर्फ मोदी जी की लहर है। लोग मोदी जी को वोट देना चाहते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी से कहाँ कौन प्रत्याशी है, ये चुनाव पूरी तरह से मोदी जी पर केंद्रित चुनाव है। और लोग मोदी जी और भारत कमल का चिन्ह दो चीज़ें ही जानते हैं और इसलिए पूरे देश में लोगों ने ये मन बना लिया है कि मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और इसलिए कहीं पर भी कोई चुनौती, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे देश में हो, कहीं पर भी कोई चुनौती इस चुनाव में नहीं है और भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। जब सागर को लेके कुछ अटकलें थी कि प्रत्याशी बदलेगा, कैसी प्रत्याशी मानते हैं लगा मानते हैं? देखिए, सागर में कोई भी प्रत्याशी रहा हो, सागर भारतीय जनता पार्टी को जीतते लोकसभा 35 साल हो गए। 90 में बीरेन जी ने पहला चुनाव लड़ा था और 90 से लेकर आज तक 35 साल हो गए, आज तक भारतीय जनता पार्टी सागर लोकसभा नहीं हारी। तो कोई भी प्रत्याशी हो, यहाँ पार्टी जीतती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जब देख रहे हैं लगातार कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, बड़ी खलबली है और लगता है कि इस वक्त जो है विपक्ष लगभग शून्य जैसी स्थिति में दिखाई दे रहा है। देखिए, जो काम करने वाले लोग हैं, जो राजनीति के माध्यम से काम करना चाहते हैं, जनसेवा करना चाहते हैं, उनको मालूम है कि अब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। मध्य प्रदेश में चूंकि दो दलीय पद है, सारी राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, तो जहां पर भी दो दलीय होता है वहां पर लोग या तो भाजपा में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो विकल्प होता है, लोगों कोई सपा में जाता, कोई बसपा में, या कहीं पर भी। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कोई भविष्य लोगों को दिखता नहीं है और इसलिए जो अच्छे लोग हैं उनको लगता है कि काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कर सकते हैं और इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और लगातार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। पर जब हम देखते रहें कि सागर जो संसदीय क्षेत्र, आप सांसद भी रहे हैं, वो बहुत सारा कार्यकर्ता आपसे लगातार 5-10 साल से जुड़ा भी रहा, ऐसे में अगर पार्टी चाहती है संसदीय क्षेत्र में, तो क्या आप यहाँ
जो है सेवाएं देंगे? नहीं, बिल्कुल सेवाएं अभी भी दे ही रहे हैं। कल हमारे खुरई विधानसभा के पूरे कार्यकर्ताओं की बैठक है, चुनाव को लेकर कार्यालय का शुभारम्भ है, बैठक है, तो समय जितना आवश्यक होगा वो सागर लोकसभा चुनाव में समय देंगे और हम लोग अच्छे मतों से सागर लोकसभा जीते। क्या उम्मीद है इस बार 29 में से 29 आने वाली है? निश्चित रूप से इस बार कोई ऐसा कारण नहीं है। पिछले बार सिर्फ हम लोग छिंदवाड़ा हारे थे, पर इस बार छिंदवाड़ा भी जीतने वाले हैं और बाकी सीटों पे तो कहीं कोई समस्या है नहीं, तो 29 की 29 इस बार जीते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भूपेन जी थे और इनका दावा है कि मध्य प्रदेश में अब लोकसभा में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। निश्चित तौर पर मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं और जो विकास काम किए हैं उसके आधार पर वो वोट मांगेगी और निश्चित तौर पर जो 400 पार का नारा भाजपा ने दिया है उसमें पहले चरण में जो प्राथमिकी देखी जाए उसमें वो सफल होती भी दिख रही है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। आपके शहर सागर में पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए जेसीबी, क्रेन, हाइड्रा, पोकलैन इत्यादि मशीनें किराए पर उपलब्ध। प्रथम ग्राहकों को 1500 रुपए तक की छूट। तो देर किस बात की, मशीनें चाहिए तो पायरेंट ऐप पर आइए।